मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़े जहां पिछले 30-40 साल से कांग्रेस न जीती हो। ऐसा कहने के पीछे उनका क्या मकसद था ये तो कमलनाथ ही जाने, लेकिन उनका यह बयान सुर्खियों में जरूर आ गया है। इस पर बीजेपी क्या रुख लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया था। लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है आचार संहिता लगने के कारण। अब इसमें रोक आई आचार संहिता के बाद, जो हमने कहा था सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, होगा होगा होगा, ये हमारा वचन है। हमने तो 60 दिन में चालू कर दिया कर्जा माफ करने का, और मध्य प्रदेश के 22 लाख किसान आज गवाह हैं। आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के 50 लाख किसान गवाह होंगे कि उनका कर्जा माफ हुआ है। सर, मध्य प्रदेश में लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन है सर? हमारी अधिक से अधिक कम से कम 22-23 सीटों की हमारी उम्मीद है। दिग्विजय सिंह जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? दिग्विजय सिंह को खुद तय करेंगे, पर उनसे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2-3-4 जो कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से नहीं जीते वहाँ से चुनाव लड़े। सर, टिकट वितरण कब तक हो जाएगा? अगले 3-4 दिन में, क्योंकि अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उन प्रदेशों का कर रही है जो फर्स्ट फेज में है, सेकेंड फेज में है, थर्ड फेज में। हमारा मध्य प्रदेश तो 4वीं फेज में, सब तय किया जाएगा। सर, इस बार इस लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा कांग्रेस का? कि कांग्रेस ने पिछले 85 दिनों में जो अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है ये हम जनता के सामने रखेंगे। साथ साथ जो मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है पिछले 5 साल में केंद्र ने, NDA की सरकार ने, और पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में रही उन्होंने किस प्रकार से लोगों को निराश किया।